कितने देर में आ जाता है आपके शहर में, आप ही लोग हमको न बताते हैं। जो टॉप नेता है समस्तीपुर में वो सप्लायर है, सबका जांच करवा दीजिए ना, सच्चाई आ जाएगी सामने कि कौन सेवन करते हैं और कौन नहीं सेवन करते हैं। डराने से धमकाने से विपक्ष की आवाज चुप नहीं हो सकती है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित झा। विजय सिन्हा जो कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, और उन्होंने फिर से एक बार शराबबंदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में शराबबंदी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक फ़ोन करने पे होम डिलीवरी मिल जाता है। फिर उन्होंने यह भी बताया कि जितने भी पदाधिकारी हैं जेडीयू के और बीजेपी के, सबका ब्लड जाँच होना चाहिए और उससे पता चल जाएगा साफ तौर पर कि यहाँ पर दारू का सेवन कौन कौन कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले वो आप सुनिए। आपके ऑर्डर पर कितने देर में आ जाता है, कितने देर में आ जाता है आपके शहर में, आप ही लोग हमको न बताते हैं कि सर होम डिलीवरी होता है, जहां ऑर्डर देते हैं वहीं पहुंच जाता है। अरे जब आम पब्लिक ये बात बोल रही है, जदयू के नेता जो टॉप नेता है समस्तीपुर में वो सप्लायर हैं, उनके उम्मीदवार जिसको गोपालगंज में बनाए वो बनाते हैं दारू, तीन तीन गाड़ी झारखंड में पकड़ाया था, असत्य है तो खंडन क्यों नहीं करते हैं? आप खंडन तो करिए। और जो लोग कल आप ही के चैनल पर, आप ही मोबाइल पर ले रहे थे फोटो, और यहां जदयू के कुछ नेताओं को बैठाकर बोल रहे थे, सबका जांच करवा दीजिए ना, सच्चाई आ जाएगी सामने कि कौन सेवन करते हैं और कौन नहीं सेवन करते हैं। है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो जिला स्तर का है और जो लीडर है, उसका भी ब्लड सैंपल ले और जांच कराए, और जदयू के भी पदाधिकारी का ब्लड सैंपल लेकर के जांच करा ले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, शराब का सेवन कौन करता है, टॉप शिखर पर बैठने वाले लोगों का भी जांच करा ले। आप ईमानदारी से चाहते, मैं तो समर्थन किया था, पूर्ण नशाबंदी की बात किया था, क्यों मुख्यमंत्री जी आप हिम्मत नहीं जुटाते हैं? अपने अगल बगल के लोग जो बैठे हैं आप उसकी भी जांच कराइए, हम सब भी अपना ब्लड सैंपल देंगे और जांच करा लीजिए, और देखिए शराबबंदी कैसे बंद होता है, कराएंगे। है हिम्मत उनके मंत्रिमंडल के सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेके जांच करा ले तो 24 घंटा के अंदर पता चल जाएगा कि फेल कौन कर रहा है, कहेंगे नोटिस भेजेंगे, आपने ऐसा बोल दिया, अरे भेजिए ना नोटिस। मैं तो चाहता हूं विपक्ष के नाते कि जो खामी है सरकार की नीति में उसको सरकार के सामने लाएं, ताकि सरकार सजग होकर सुधार करे। डराने से धमकाने से विपक्ष की आवाज चुप नहीं हो सकती है। विपक्ष ईमानदारी से अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा। आपके अस्पताल का मिशन 16 हो या शिक्षा विभाग की बदहाल स्थिति हो, सुरक्षा के अंदर कानून का राज की फेलिडिटी हो। तो आपने साफ तौर पर सुना कि विजय सिन्हा ने कहा है कि जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, या फिर जेडीयू के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका ब्लड सैंपल हो, जांच हो, इससे साफ तौर पर पता चल जाएगा कि कौन दारू का सेवन करता है, कौन नहीं करता है। अगर उनमें हिम्मत है तो ऐसा करे, वरना सिर्फ बयानबाजी ना करे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।